भाजपा के प्रति कार्यकर्ताओं का स्नेह बढ़ाने के लिए दिल्ली प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष अपने क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रहे हैं। लेकिन नवीन शाहदरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने अनोखी मुहिम अपने जिले में शुरू की है, जिसके तहत वे अपने जिले के सभी मंडलों में लगातार ऐसे भाजपा के कर्णधारों से मिल रहे हैं जिन्होंने भाजपा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रखा है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला अध्यक्ष नंद नगरी मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर के साथ ऐसे कार्यकर्ताओं से मिले जो फिलहाल पार्टी के किसी पद पर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए न्यौछावर किया है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जिलाध्यक्ष बनने के बाद सभी कार्यकर्ताओं की ये तमन्ना रही कि आपका स्वागत किया जाए, मेरा स्वागत किया जाए। लेकिन मैंने सोचा हमें उन लोगों का स्वागत करना चाहिए जो पार्टी के लिए जिन्होंने पूर्व में काम किया, आज वो काम करने में लाचार है, विवश है, किसी कारण से वो बीमार हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, या किसी घरेलू समस्या के कारण वो पार्टी का काम नहीं कर रहा। तो हमने जो कार्यकर्ता आज काम कर रहा है उनको छोड़ करके, जो काम नहीं कर रहा किसी कारण से, उसके घर जाने का, उनका स्वागत करने का, उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य 20 के 20 मंडलों में हमें करना है। 7 मंडलों में मैं इस कार्य को कर चुका हूँ। यहाँ पर जैसे मैं कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिला, उनको मिलकर के मुझे भी खुशी मिली और उनको भी एक एहसास हुआ कि हमारी पार्टी आज भी हमें याद कर रही है, ये बड़ा ही खुशी का विषय उनके लिए रहा, उन्होंने व्यक्त भी किया। पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ हमें निरंतर अपना संवाद रखना चाहिए, अपना विचार भी रखना चाहिए, निरंतर उनसे संपर्क रहना चाहिए। ये पार्टी का मूल मंत्र है और भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। जो कार्यकर्ता आज काम नहीं कर रहा वो हमारे लिए वेस्टेज नहीं है, वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, उसने पार्टी के लिए काम किया, हमको भी कल ऐसा बनना है। इसलिए हमें भी अपना ध्यान और सबका ध्यान रखते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करना ही है। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद और नंद नगरी मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर, उनके साथ विधानसभा संयोजक टीएस खन्ना, भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत वर्मा, आशीष तिवारी, सरोज बाला और वीर सेन के साथ कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनका हालचाल पूछ रहे हैं और उनसे पार्टी के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, ताकि उनको एहसास न हो कि पार्टी में वह पद पर नहीं है तो पार्टी उनको नहीं पूछ रही है। जिला अध्यक्ष की इस मुहिम से नंद नगरी मंडल के सभी कार्यकर्ता बहुत खुश दिखाई दिए। नंद नगरी मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर ने कहा कि पूर्व जिला अध्यक्षों ने भी पार्टी को बढ़ाने के लिए अपने तरीके से काम किया है, लेकिन वर्तमान जिला अध्यक्ष की यह मुहिम अपने आप में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे अलग है। नंद नगरी मंडल का बड़ा ही सौभाग्य रहा है कि पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे इस नंद नगरी मंडल में प्रवास किया, अब जिलाध्यक्ष जी ने हमारे नंद नगरी मंडल में प्रवास किया। यह पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ प्रवास किया और पुराने कार्यकर्ताओं से मिले, उनकी समस्याओं को जाना, और उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पास जिलाध्यक्ष जी खुद हमारे पास घर चल के आए हैं। अजी बहुत ही अच्छा लगा उन्हें, सभी लोगों ने जिससे जिससे हम मिले उन्हें इतना एहसास हुआ, इतना अपनापन फील हुआ कि वो अपने बयान नहीं कर सके और बड़े ही खुश हुए वो लोग जिलाध्यक्ष जी के आने से, और उनका स्वागत भी किया जिलाध्यक्ष जी ने पटका पहना के पार्टी का। बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने इस नवीन शाहदरा जिला के बनने के बाद जितने भी जिलाध्यक्ष बने हैं लगभग सभी के साथ काम किया है। सभी कार्यकर्ता की अपनी अपनी शैली होती है। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष से इन्होंने राजनीति शुरू की और कार्यकर्ता की दर्द और वेदना को समझते हैं। इसलिए जो कार्यकर्ता हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं उनसे घर घर जाके मिलने का जो ज़िले में ये प्रोग्राम चल रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है और हम बड़े उत्साहित हैं जिलाध्यक्ष जी के इस कदम से। हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, आदर्श कार्यकर्ता हैं, जो जिन लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज इतनी चमक दमक में है, वो कार्यकर्ता हैं जो सीनियर हो गए हैं, काम ना करने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं, उन्होंने अपना जीवन पार्टी को दिया है। ऐसे कार्यकर्ताओं के घर जाके संपर्क किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया लेकिन वो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, और ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए अगर जिलाध्यक्ष जाके या प्रदेश अध्यक्ष जाके उनको मिलता है तो उनको उत्साह का संचार होता है, वो परिवार, उनके आगे के जो बच्चे हैं वो भी उत्साहित होते हैं और पार्टी के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिलाध्यक्ष की माने तो आगामी निगम चुनाव को देखते हुए वे कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहते हैं जिससे कि पार्टी के लिए कोई भी कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हो। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।